दो बल الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وقال في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله إلى الله توبة نصوحا وقال في مقام اخر كل نفس ذائقه الموت صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له، صدق الله مولانا العظيم. موت سيكي سكور आज वो तो कल हमारी बारी है मौत से किस को रुस तगारी है आज वो तो कल हमारी बारी है सुबह होती है शाम होती है उम्र यूं ही तमाम होती है सुबह होती है शाम होती है उम्र यूं ही तमाम होती है गया वक्त हाथ आता नहीं मरा घास खाता नहीं जो करता है तू चुप कहले ले से जो करता है तू चुप कहले जहाँ से कोई देखता है तुझे आसमां से कोई देखता है तुझे आसमां से मिट जाए गुना हो तसव्वुर इस जहां से अगर ये यकीन हो जाए के खुदा देख रहा है अगर ये यकीन हो जाए के खुदा देख रहा है کر لے توبہ ابھی بھی وقت ہے حساب بہت سخت اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم مريب هيو دوستو मौत जो है अटल हकीकत है हर किसी को मौत आनी है एक बात ये है कि दुनिया जो है ख़त्म होकर जो है हम सब को यहाँ से जाना है हम सब की मौत आ जाएगी और दुनिया के अंदर कोई रहने के लिए नहीं आया सबको दुनिया से जाना है दुनिया के अंदर जो है सब मुसाफिर है और मुसाफिर का काम क्या होता है कि भाई एक जगह से एग्ज़ाम्पल के यहाँ से वालिया गया तो सपना काम ख़त्म करके फौरन आ जाता है इसी तरह दुनिया है कि दुनिया के अंदर भी हमें क्या है अपनी ज़रूरत को पूरा करना है और ज़रूरत के पूरा करने के बाद हमें दुनिया से जाना है मौत अटल हकीकत है मौत मुसलम फैसला है अगर मौत को हुकूमत के ज़रिए से टाला जा सकता तो फिर को कभी भी मौत ना आती अगर मौत को मालो दौलत के जरिए से टाला जा सकता तो हामान को कभी भी मौत ना आती अगर मौत को हिकमत दानाई के जरिए से और जो है दिमाग के जरिए से टाला जा सकता तो लकमान आलाम को कभी भी मौत ना आती अगर मौत को वफाओं के जरिए से टाला जा सकता तो कानून को और वफाओं के जरिए से टाला जा सकता तो जो है बीविया कभी भी अपने शोहरों को मरने न देती अगर मौत को मोहब्बतों के जरिए से टाला जा सकता तो माएँ कभी भी अपने शोहरों को मरने न देती और माएँ कभी भी अपने बेटे को मरने न देती लेकिन क्या है दुनिया के अंदर सब आए हैं सब को दुनिया से जाना है मुझे भी दुनिया से जाना है आप सबको भी दुनिया से जाना है इसलिए यहाँ क्या है कोई किसी का नहीं होता है अगर दुनिया के अंदर इज्जत चाहते हो अगर दुनिया के अंदर कामयाबी चाहते हो अगर दुनिया के अंदर क्या है अपने आप को बनाना चाहते हो दुनिया के अंदर अगर आपको जो है अच्छे नाम से कोई जाना जाए अगर दुनिया के अंदर आप चाहते हो कि मुझे जो है लोग अच्छे से पहचाने तो उसकी वजह यह है कि अल्लाह को अल्लाह को मान कर और अल्लाह के रसूल की मान कर चलेंगे तो दुनिया में भी कामयाबी है और आखिरत में भी कामयाबी है वरना दुनिया की कामयाबी है तो ये है कि आपको किसी ने कल बिठाया और आज जो है हटा देते हैं कल किसी ने आपको क्या है आपके साथ अच्छा सलूक किया और कल क्या है दूसरे दिन आपके साथ बुरा सलूक करते हैं इसलिए दुनिया के अंदर टेंशन लेना नहीं है दुनिया के अंदर क्या है सब के साथ हालत है दुनिया के अंदर सब को जो है ऐसा कोई नहीं है कि सब आराम में ही है सब खुशी की जिंदगी गुजारते हैं नहीं सब के घर में टेंशन है सब के घर में क्या है प्रॉब्लम है लेकिन क्या है अगर अल्लाह को राज़ी करोगे अल्लाह के रसूल की मान कर चलोगे तो दुनिया में भी कामयाबी है दुनिया के अंदर भी क्या है आपको क्या है मुसीबत आएगी परेशानी आएगी लेकिन क्या है हमेशा के लिए नहीं होगी इसलिए मेरी पूरी बात का खुलासा ये निकला मैं आपको ये बात समझाना चाहता हूं कि क्या है हम सब क्या है गुनहगार बंदे हैं और क्या है दुनिया के अंदर कोई अपने आप को जितना गुनहगार समझता रहेगा अल्लाह तबारक व तआला दुनिया के अंदर भी क्या उसको इज़्ज़त और बड़ी जिंदगी देगे और मरने के बाद की असल की जिंदगी है मरने के बाद जो है सबको क्या है हिसाब किताब होगा और सबको जो है दुनिया के अंदर पूछा जाएगा कि आपने दुनिया के अंदर जो काम किया है तो क्या मरने के बाद भी वो काम लेकर आए हो अगर दुनिया के अंदर क्या है अपने अल्लाह को राज़ी किया होगा अगर दुनिया के अंदर अपने आप को क्या है अपने आप को जिंदगी के अंदर जो एक गुनाह भरी जिंदगी से अपने आप को बचाया होगा तो मरने के बाद भी क्या है आपको क्या है अल्लाह तबारक व ताली जन्नत भी देगा और जहन्नम बच बचाएगा इसलिए यह दुनिया जो है ख़त्म होने वाली है मौत से किसको को है आज वो तो कल हमारी बारी है मतलब की है दुनिया सारी मतलब के है सब संसारी जग में हो तेरा हटकारी तन मन का जोर लगाकर अल्लाह का नाम बोल अगर दुनिया के अंदर क्या है जो कब्रस्तान जाकर उठा कब्रस्तान में जाकर आओ दुनिया के अंदर क्या है वो कहते थे बिल्डिंगे हमारी है दुनिया के अंदर कहते थे कि कारोबार हमारा है दुनिया के अंदर कहते थे कि क्या है बिजनेस हमारा है कब्रस्तान में कोई भी आपको नहीं कहेगा कि ये मेरा कारोबार है मेरा बिजनेस है मेरे मेरी प्रॉपर्टी है क्योंकि वो सतो सब वारिसों का हो चुका है वो कोई हमारा नहीं है इसलिए दुनिया के अंदर क्या है अपने आप को क्या है अल्लाह तबारक व तआला से सुलह करके देखो अगर अल्लाह ताला से सुलह करके देखोगे तो अल्लाह दुनिया के अंदर भी आपको कामयाब करेगा दुनिया के अंदर क्या है अल्लाह तबारक व ताला चैन वाली और सुकून वाली जिंदगी देगा इसलिए अला अलाबिक्रतमलूब के सुनो सुनो चाहे मुसलमान हो चाहे गैर मुस्लिम हो चाहे क्रिश्चियन हो चाहे बुद्धिस्ट हो चाहे नास्तिक हो चाहे कोई भी मज़हब का मानने वाला हो लेकिन क्या है उसको इसके दिल के अंदर सुकून तभी आएगा जब वो अल्लाह को याद करेगा अल्लाह की मान कर चलेगा तो दुनिया में भी कामयाबी है अगर अल्लाह की न मान कर ना नहीं चलेगा तो क्या है शतक सिसकता रहेगा अपने दिल के अंदर क्या है हमेशा मुसीबत ही मुसीबत अपने दिल के अंदर अंधेरा अंधेरा देखिएगा आज दुनिया के अंदर तो क्या है अपने आप को क्या है पैसे वाला समझ रहा है वो चाहता है कि मैं पैसे के जरिए क्या है सुकून हासिल करूं मैं पैसे के जरिए से क्या है अपने आप को क्या है राहत वाली जिंदगी गुजारू लेकिन अल्लाह कह रहा है अला अलाूब सुनो अल्लाह की याद से ही दिलों के अंदर ठंडक आएगी वरना आप जो है जितने भी कोशिश कर लो जो है दुनिया के अंदर क्या दुनिया कमाना कोई बुरा नहीं है लेकिन क्या है अगर आप चाहते हो कि मेरी जिंदगी क्या है मेरा परिवार मेरा घर और मेरे दोस्त क्या है सब खुश हो जाए मुझसे तो क्या है अल्लाह से सुलह कर लो अल्लाह की मान कर चलोगे यकीन आपको जो है अल्लाह तबारक व हकी की जो है इज्जत अता फरमाएगा लेकिन क्या है पैसे देकर तो हर कोई को अपना बना लेता है लेकिन हकी की जिंदगी और हकी की खुशी चाहते हो अल्लाह को राजी कर लो अल्लाह कहता है ओ मेरे बंदे तो चल कर आएगा तो मेरी रहमत तेरी तरफ दौड़ कर आएगी अगर अल्लाह कह रहे हैं ओ मेरे बंदे तू मुझे अपना बना ले मैं पूरी दुनिया को अपना बना लूंगा क्या है अगर तू मुझे राज़ी कर ले पूरी दुनिया को मैं राजी करके दिखाऊंगा अगर तू अल्लाह को जो है अपने आप के सामने अल्लाह के सामने अपनी बात को पेश कर अगर मुसीबत जो है आ जाए अल्लाह के सामने मांगो दुनिया के अंदर सबसे अच्छा इलाज ये है परेशानी आ जाए मुसीबत आ जाए अल्लाह से मांगो अल्लाह के सामने रो अल्लाह तुम्हारी जो है मुसीबत सुनने वाला है दुनिया का कोई शख्स आपकी परेशानी दूर नहीं कर सकता अल्लाह ही ऐसा है जो परेशानी दूर करने वाला है इसलिए मैं आपको बात करता था कुल्लु कि हर शख्स को मौत का मजा चखना है चाहे यहाँ पर क्या है वो अच्छे सी बिल्डिंग में रह रहा है अच्छे घर में रह रहा है चाहे कच्चे घर में रह रहा है चाहे वो फुटपाथ पर सो रहा है चाहे वो कच्चे मकान में रह रहा है चाहे जो सड़क पर रह रहा है लेकिन क्या है अगर उसकी ज़िंदगी के अंदर क्या है चैन अल्लाह अल्लाह और उसके रसूल की बातें हैं अल्लाह और उसके रसूल की फरमा बरदारी है तो क्या है वो खुश है लेकिन क्या है जो मालदार है उसको भी मौत आनी है जो ग़रीब है उसको भी मौत आनी है चाहे मुसलमान है उसको भी मौत आनी है चाहे हिंदू हो उसको भी मौत आनी है चाहे क्रिश्चियन हो उसको भी मौत आनी है अगर यहूदी है उसको भी मौत आनी है चाहे नास्तिक हो उसकी भी मौत आनी है क्या है कब्रस्त जाकर देख लो वो कहते थे कि क्या है दुनिया के अंदर मेरा नाम था लेकिन कब्र में जाकर उसको देख लो वो कहता नहीं है क्योंकि वो बोल ही नहीं सकता है इसलिए सबसे पहली बात यह है कि कब्र को याद रखो क्या है कब्रस्तान का चक्कर कब्रस्तान का चक्कर मारकर आओ आपको जो है मौत की याद आएगी अल्लाह याद, याद आएगी कबर याद आएगी आखिरत की याद आएगी लेकिन आज क्या है हम अपनी गफलत भरी जिंदगी गुजार रहे हैं हमें पता ही नहीं है कि दुनिया से मुझे एक दिन जाना है क्या है कल हमारे साथ दोस्त बैठते थे खेलते थे जो है आज उनका इंतकाल हो चुका हल हम कल बात करते थे उसके साथ कि भाई मैं तेरे साथ अभी आ रहा हूँ लेकिन पता चला थोड़ी देर के अंदर उसका एक्सीडेंट होकर उसका इंतकाल हो चुका इसलिए मौत जो है किसी का इंतजार नहीं करती इंतजार तो सिर्फ अल्लाह करता है ओ मेरे बंदे अगर तू गुनाह करके

गए मूसा सलाम के ज़माने में बहुत गुनेगार शख्स था उसने तीस साल अल्लाह तबारक व तैयार की नाफरमानी की थी तो तमाम लोग कह रहे थे कि उसको शहर से निकाल दिया जाए इसकी वजह से बारिश भी नहीं हो रही है तो मूसा तलाम तो ने कहा कि जो सब तमाम को जमा किया और कहा कि इसको दुनिया से जो है यहाँ पर हमारी बस्ती से निकल जाएगा तो फ़ायदा ये होगा कि बारिश बरसेगी अब वो जो है तमाम को जमा कर दिया और तमाम बैठे हुए थे और ये बात सलाम ने कही कि अगर यहाँ पर जिस एक शख्स है इसके गुनाहों की वजह से क्या है बारिश नहीं बरस रही है उसके गुनाहों की वजह से क्या है या वो क्या है और यहाँ पर तमाम लोग क्या है यहाँ परेशान है इसलिए वह यहाँ से निकल जावे तो उसने सोचा दिल दिल के अंदर अल्लाह से तोबा की और दिल दिल के अंदर अल्लाह से माफ़ी मांगी या अल्लाह तीस साल से मैं नाफरमानी करता था तूने मेरा नाम नहीं लिया है आज भी जो है जो है मैं तेरे सामने मांगता हूँ तमाम मजमे के अंदर वो कह रहा है अगर मैं यहाँ पर मजमे से निकल जाऊंगा तो क्या है मेरी कोई बात नहीं सुनेगा मुझे लोग जलील करेंगे फिर मुझे जो है दुनिया में रहना मुश्किल हो जाएगा लेकिन उसने दिल दिल के अंदर माफ़ी मांग ली और दिल दिल के अंदर अल्लाह तबारक व ताले से सलाह कर ली और कहा कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दे अल्लाह ने फौरन उसको माफ़ कर दिया और अल्लाह ने फौरन बारिश बरसाई हाँ अभी बारिश नहीं हो रही थी और अभी जो है बारिश चालू हो चुकी तो अल्लाह मूसा आलासलाम ने अल्लाह तबारक व तै से बात की और अल्लाह तबारक व ताल से हम कलामी की तो कहा कि अल्लाह तो अभी मुझे थोड़ी देर पहले कहा था कि यहाँ पर एक गुनेगा शख्स बहुत सालों से गुनाह कर रहा है और कि उसकी वजह से मुझे हुक्म दिया कि उसको बस्ती से निकाल दिया जाए लेकिन कहा कि मुसा उसने जो है तोबा कर ली इसलिए मुझे क्या है शर्म आ चुकी और मैं तो बंदे का इंतज़ार करता हूँ अल्लाह कहते हैं कि ये मेरा बंदा है उसने तीस साल से फरमानी की थी और जो है उससे मुझे उसने मुझसे सुलह कर ली थी तो मुसा सला सलाम ने कहा उसका नाम तो बता दीजिए अल्लाह ने कहा ए मूसा तीस साल से वो तेरी ना फरमानी करता था तब मेरे नाम नहीं बताया तो अब मैं तेरा क्यों नाम बताऊं अब मैं उसका नाम क्यों बताऊं अब तो मेरा दोस्त हो चुका है अब तो मेरा क्या है अब मेरा चहिता बन चुका है मेरा पर्सनल बन चुका है तो अब क्यों नाम क्यों नाम नहीं लूँगा मैं क्यों उसका नाम लूंगा तो अल्लाह तबारक तआला को यह अदा पसंद आ गई अगर दिल दिल के अंदर अगर आज हम सब बैठे हुए हैं मैं कोई बयान करने के लिए नहीं आया हूँ मैं तो अपना दर्द सुनाने के लिए आया हूँ मुझे जगह जगह जाना होता है देखता हूं मुसलमानों की हालत खराब है ऐसी जगह जाना हुआ कि वहां पर क्या है तमाम गैर मुस्लिम कोई मुसलमान नहीं छोट दस पंद्रह मुसलमान के घर हो गए लेकिन क्या है वहां पर क्या है बच्चे देखे तो पता ही नहीं चलता मुसलमान के लड़के क्या आज हमारे घरों के अंदर क्या है? दिन खत्म हो चुका क्या आज क्या फिर वापस के वापस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ी आने वाले उनकी सीरत थोड़ी आने वाली है अब तो क्या हमें खड़ा होना होगा और हमारे बच्चों की परवरिश करनी होगी तो सबसे मेरी बात का खुलासा ये निकला मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि कामयाबी जो है अल्लाह के दिन के अंदर है पांच टाइम मोहन बुला रहा है हयाल फलाह आओ कामयाबी की तरफ लेकिन हम कामयाबी क्या है कारोबार में ढूंढ रहे अल्लाह जो कह रहा है हयाल फलाह कामयाबी की तरफ आओ लेकिन हम कामयाबी क्या बिजनेस में ढूंढ रहे आप कामयाब हम सोचते हैं कि मैं कामयाब हो जाऊं लेकिन क्या है कामयाबी हम किस में पैसों में अपने घर बार के अंदर मेरा अच्छा घर बन जाए मैं वेल सेट हो जाऊं कामयाबी ये नहीं अल्लाह कह रहा है कामयाबी जो है मेरे तरीके में है कामयाबी है नमाज पढ़ने के अंदर है कामयाबी जो है मेरी मान कर चलने के अंदर है कामयाबी जो है मुझसे ताल्लुक जोड़ लो आपको सबसे एक बात बताता हूँ दुआ मांग लो जो तमाम परेशानियों का हल क्या है दुआ के अंदर है अगर आप चाहते हो कि अल्लाह तबारक वाली मुझे रोजी के अंदर बरकत दे अगर आप चाहते हो कि क्या है मैं गुनाह भरी जिंदगी से अपने आप को दूर करूँ तो क्या है दुआ मांग लो पांच मिनट अल्लाह को दे दो अल्लाह तबारक तआला तुम्हारे लिए हर टाइम फ्री कर देगा अल्लाह कह रहे फ़ाइन तजहबून कहा जा रहे हो मेरे बंदो अगर बंदा जीना की तरफ जा रहा है तो अल्लाह कह रहे फैन तजहबून कहा जा रहे हो अगर तुम शराब पी रहे हो अल्लाह कहता है फ़ाइन तबून कहाँ जा रहे हो अगर क्या है हम किसी को जो है तकलीफ देने जाते हैं तो अल्लाह पुकारता है कुरान के अंदर फाइन तबून कहाँ जा रहे हो अगर हम क्या है क्या है? दारू पी रहे हैं सिगरेट पी रहे हैं हम जो इसी नशे की चीज कर रहे हैं जिससे हमारा दिमाग भी काम नहीं करता तो अल्लाह कहता है फाही नबून कहाँ जा रहे हो अगर क्या है सूद वाली और जो है अपनी जिंदगी के अंदर क्या है ब्याज का जो है लेन देन करते हैं तो अल्लाह कहता है फाही नबून कहाँ जा, जा रहे हो या एल इंसान उमा गिकल करीम इंसान तुझे किस चीज़ ने धोखे में डाल दिया है तू कहाँ जा रहा है अल्लाह पुकार रहा है अगर हम जो है देखते हैं कि हमारा जो है हमारा सेठ होता है हम सेठ की बात नहीं मानते तो हमें लात मार कर भगा देता है लेकिन अल्लाह एक ऐसी ज़ात है वो हमारा आका है हम उसके ग़ुलाम हैं कभी भी हम मस्जिद में आते हैं तो कभी अल्लाह जो है हमें लात मार कर नहीं भगाता है क्योंकि अल्लाह तो वो ज़ात है जो है तुम जब भी पाओगे अल्लाह को करीम पाओगे जब भी उसके पास मांगोगे अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी सारी बातों को सुनेगा तुम्हारे सारे दर्द को सुनेगा लेकिन बात यह है अल्लाह के पास मांगो तो सही अल्लाह कह रहा है आ जाओ मेरे बंदो जो है मैं तुम तुम मेरे पास माफ़ी मांगो मैं तुम्हारी सारी दुआओं को कबूल करूंगा मैं आपको एक हजीसी मुबारक सुनाता हूँ बहुत अच्छी बात है आप ध्यान से सुनिए हजी से मुबारक में आता है कि फरिश्तों ने जब बहकाने के लिए यानी शैतान ने बहकाने के लिए कसम खाई कि मैं तेरे बंदों को बहकाता रहूंगा अल्लाह के सामने कहा कि मैं जो गुनहगार बंदे है दाएं से बाएं से आगे से पीछे से अगर वो गुनाह करते रहेंगे मैं उनको बहकाता रहूँगा तो ये बात फरिश्तों के अंदर पहुँची तो फरिश्तों को बड़ी हसरत हुई फरिश्ते कहने लगे कि अल्लाह ये औलाद आदम के लिए मुसीबत बन गई तो अल्लाह ने कहा क्यों इसलिए कि जब ये बंदे को शैतान बहकाता रहेगा आगे से बाएं से दाएं से पीछे से तमाम जगह से बहकाता रहेगा तो ये बंदों के लिए कोई रास्ता ही नहीं बचा तो अल्लाह ताला ने फरमाया ओ मेरे बंदे ओ मेरे फरिश्तों जरा कान खोल कर सुन लीजिए क्योंकि मैंने उसको दो सिमत को बुला दिया यानी दो जानिब को बुला दिया जब मेरा गुनहगार बंदा अपने गुनाहो भरी जिंदगी लेकर मेरे दरबार में आएगा अपनी गुनाहों भरी जिंदगी लेकर मेरे दरवाजे पर आएगा एक मरतबा माफी मांग लेगा ये अल्लाह मैंने पूरी जिंदगी जो है तुझे सताता रहा तुझे तेरी ना फुरमानी करता रहा मैं गुनाहों भरी जिंदगी गुजारता रहा मैं शराबों में जिंदगी गुजारता रहा मैं जो है जिनाकारी में जिंदगी गुजारता रहा अल्लाह कहेगा जा मैं तेरे बंदे मैं मेरे बंदे मैं तेरे गुनाहों को माफ फरमा दूंगा जो है अभी हाथ हमारे नीचे नहीं जाएंगे अल्लाह तबारक व ताल उसके उस बंदे के गुनाहों को माफ फरमा देंगे इसलिए कि अल्लाह तबारक व तैयार ने शैतान को ये ताकत नहीं दी है कि वो जो है जो दुआ करे तब हमला करे आप जब भी दुआ मांगोगे शैतान आप पर हमला नहीं करेगा दूसरी बात ये हदीज़ शरीफ में आता है कि जब गुनहगार बंदा और गुनाह करके दरवाजे पर आएगा मुँह काला कर आएगा अगर हमारा रिश्तेदार हमारे माँ बाप हम गुनाह कर आए हम जीना कर कर आए और हमें देख ले तो क्या है हमें मारेंगे हमें घर से निकाल देंगे लेकिन वही अल्लाह कहता है ए मेरे बंदे तू मेरे दरवाजे पर आ और मेरे सामने मांग मैं तेरी तेरी सारी जरूरतों को पूरा कर दूंगा और जो बंदा गुनहगार बंदा गुनाह करके मस्जिद में आएगा और अपनी पेशानी को सजदे में रखेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाहों को माफ फरमा देंगे इसलिए कि अल्लाह तो कहता है ओ मेरे बंदे

आओ मेरे नबी वाले तरीके की तरफ क्या है अगर नबी वाला लिबास पहन लेंगे तो अल्लाह तबारक व ताल आखिरत में कामयाब कर देगा इसलिए हम देखते हैं कि जो है होटल का वेटर अपनी वर्दी में पुलिस वाला अपनी वर्दी में और जो है और मिलिट्री वाला अपनी वर्दी में तो तमाम अलग अलग सबके ड्रेस होते हैं तो क्या है उसको एंट्री होने देते हैं जैसा कि अभी कोई कंपनी का बॉस है तो वो सबको कहता है कि तमाम अपना अपना जो है लिबास और अपना अपना जो है ड्रेस पहन कर आना तभी जो है मैं यहाँ पर है तो आपको एंट्री करने दूंगा तो हम कैसा इसकी बात मानते हैं लेकिन क्या है अगर हम पहन कर नहीं जाते हैं तो क्या है हमको निकाल देता है लेकिन अल्लाह एक ऐसी जात है क्या है अल्लाह तो कहता है ए मेरे बंदो तुम नबी वाला लिबास पहन लो हम क्या है दाढ़ी रखने से शर्माते यकीनन मैं आपके कहता हूँ ये दाढ़ी जो है आपको बहुत सारे गुनाहों से बचा लेगी यही दाढ़ी आपको जो है नाफरमानी करने से बचा लेगी यही दाढ़ी आपको जो है तमाम के सामने रुसवा होने से बचा लेगी लेकिन क्या है आज हमें शर्म आती है कि नबी वाला मैं चेहरा रख लूँ क्या है हम कल क़यामत के दिन हमारे नबी के सामने हम पहुँचेंगे तो हम हमारे नबी के सामने अपना क्या चेहरा दिखाएंगे वो नबी जो रातों में के लिए रोता था ताइफ का सफर हम देख ले वे। जब मेरा नबी जब, जब मक्का छोड़ा मक्का के बाद जो है ताइफ का सफर किया और लोगों को इस्लाम की दावत दी लोग हमारे नबी को पत्थर मारते थे मेरे नबी उठते थे मेरे नबी गिरते थे उठते थे पढ़ते थे उठते थे गर्द पढ़ते थे क्या है लोहू लुहान हो गए और कहा कि क्या आखिर के अंदर अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए बदवा नहीं की उनके लिए तो ये कहा कि ये तो क्या है ये मुझे पहचानते नहीं है मैं हूँ कौन मैं हूँ कौन क्या है अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो मकाम है नबी के बाद जो है अल्लाह के बाद जिसका मकाम हो वो नबी का मकाम है लेकिन उस वक्त भी मेरे नबी ने बदुवा नहीं की उस वक्त भी ये दुआ कि के अल्लाह अगर ये ईमान नहीं लाएंगे तो कुछ नहीं अगर ये मेरी बात नहीं मानेंगे तो कुछ नहीं एक वक्त आएगा उनकी नस्ल ईमान लेकर आएगी इसलिए अल्लाह कहता है ला तक्नतु मिन रहमतillah ओ मेरे बंदे तुम मेरी रहमत से ना उम्मीद मत हो क्या है मैं हर वक्त क्या है तौबा का दरवाजा खुला हुआ है जो है यहां पर हमारी सांस निकलते वक्त तक हमारा क्या है मतोबा का वक्त अभी भी बाकी है इसलिए नौजवानों क्या है हम कम से कम अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जो तो पेश कर सके या रब तेरे महबूब की सबाहत लेके आया हूँ हकीकत तो कर दे मैं तो सिर्फ सूरत लेकर आया हूँ अगर यही लिबास हमने क्या है दुनिया की जिंदगी के अंदर पहन लिया अगर हमने हमारे नबी की नकल मार ली तो क्या है अल्लाह तबारक व तआला से पूरी पूरी उम्मीद है और पूरा यकीन अल्लाह हमें माफ कर देगा आज हम देखते हैं स्कूल के अंदर क्या है हम नकल मार लेते हैं और क्या है एग्जाम के अंदर हम नकल मार लेते हैं तो हमें पास कर देते हैं तो क्या अल्लाह तबारक हमें माफ नहीं करेगा क्या अल्लाह तबारक वाला वो जरूर पास कर देगा इसलिए आओ मेरे नौजवानों क्या है नबी वाले तरीके की तरफ ना जाओ हीरो की तरफ ना जाओ क्रिकेटरों की तरफ वो आपको पूछने के लिए तैयार भी नहीं है वो तो आपका नाम भी नहीं जानते हैं लेकिन आप यहां पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि ना खोल देंगे लेकिन क्या है? सारी मुश्किलों का हल क्या है हम इस कारोबार में तलाश करते हैं सारी मुश्किलों का हल जो है हम दुनिया की तमाम चीजों में क्या पेश है? चाहते हैं लेकिन हकी की कामयाबी वो है जिसमें क्या है नबी वाले अखलाक हो नबी वाला तरीक़ा हो नबी वाले तरीक़ा क्या है बहुत आसान है अब क्या है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फरमायातिनी फिस नमाज़ मेरी आंखों की ठंडक है क्या है जब मोजिन बुलाते हैं तो क्या बुलाता है तो क्या है? हम सोते रहते हैं क्या है उस वक्त जो है बरकत उतरती है उस वक्त क्या है अल्लाह तबारक व ताल की रहमतें उतरती है उस वक्त हमारे लिए अच्छी तकदीर के फैसले लिखे जाते हैं लेकिन उस वक्त हम सोए हुए होते हैं उस वक्त क्या है हमारी आँखों के अंदर नींद होती है तो कहाँ हम पर क्या है अल्लाह तबारक व ताल की रहमतें

मोहब्बत थी उस वक्त भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम था इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है हमारे रोल मॉडल है हमारे हीरो है आज हम हमारा हमारा हीरो किसको बनाते हैं जिसके क्या है न दाचे के ठिकाने होते हैं न जुबान के ठिकाने होते हैं निस के ठिकाने होते उसको अपना रोल मॉडल बनाते हैं रोल मॉडल तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाओ कि दुनिया में भी आपको जो है कामयाब कर देगा दुनिया का रोल मॉडल आपने उसके साथ कॉन्टेक्ट भी रख लिया तो आपको दुनिया तक कामयाबी देगा वो भी भरोसा नहीं है लेकिन मरने के बाद जो है वो नबी पाक सल्ला वम वहां भी काम आएंगे दुनिया में भी काम आएंगे जब भी आपको परेशानी हो दुरु शरीफ पढ़ लो कितना आसान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी सारी मुश्किलें हल में भी मेरा यह मामूल है कोई भी परेशानी होती है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुरू अल्लाह तबारक तआला रास्ते बना देता है क्योंकि हमारा आज यकीन नहीं है जो है मूसा अलैहि व सलाम को कितना यकीन था कि जो है अल्लाह तबारक तआला मेरे लिए समंदर के बीच रास्ते निकालेंगे और उस वक्त रास्ते निकाला और जो है अल्लाह तबारक व इज्जत के नक्शे के अंदर भी जिल्लत देता है फिरौन को देखो अल्लाह तबारक व ताला ने उसको इज्जत के नक्शे के अंदर जिल्लत दी और मिसलम को जिल्लत के नक्शे के अंदर क्या है जो है इज्जत दी इसलिए इज्जत का मालिक भी अल्लाह है जिल्लत का मालिक भी अल्लाह है हम हम सोचेंगे अगर हमारे दिल में ख्याल आए मैं दाढ़ी रख लूँगा तो क्या है मैं शर्मा जाऊँगा मुझे जरील करेंगे अल्लाह कुरान में कहता है खुल्ला मालिकल मुल्क तो मन तशा व तो तशा व तशा बेदिकल खैर के जो है सारी हुकूमत मेरे कब्जे में है कल का फकीर आज का बादशाह आज का बादशाह का फकीर और जो है ये तो दुनिया का निज़ाम है हजारों दुनिया में आए हजारों दुनिया से चले गए और अल्लाह ये कह रहा है इज्जत मेरे हाथ में है ज़िल्त भी मेरे हाथ में है अल्लाह हर चीज पर कादिर है जो है अल्लाह तबारक व तला तो वो है जो आसमान जिसने बनाया जिसने जमीन को बनाया जिसने चांद को बनाया जिसने सूरज को बनाया जिसने सितारे को बनाया जिसने स्यारे को बनाया पहाड़ पर देखो अल्लाह तबारक व तला की तजल्ली आपको मिलेगी जो है आप आसमान में देखो अल्लाह तबारक वा आपको मिलेगा जो है आप कुएं के अंदर जो पानी निकले वहां से देखो अल्लाह तबारक वाली हम को तैन पानी वहां जमीन से वहां का कौन सा हम फिल्टर लगाते कौन सा ऐसा कौन सा हम ऐसा मशीन लगाते हैं लेकिन एक अल्लाह की कुदरत है पानी निकलता है हम क्या है देखते हैं अखबार में और जो है पेपर में भी आता रहता है कि यहाँ आज तो जो है यहाँ से पानी निकला है वो पानी निकालने वाली ज़ात कौन है एक अल्लाह की है अल्लाह तबारक व ताराला तो वो है जो माँ की अंधेरी कोथड़ी के अंदर इंसान को बनाता है आज हम देखें कि लाइट बंद हो जाए हम कोई काम नहीं कर सकते अगर लाइट बंद हो जाए हमको यहाँ से जाना हो दूर तो हम जा नहीं सकते हमको जाना हो एक कदम तो हम नहीं जा सकते लेकिन वही अल्लाह जो माँ की कोठरी के अंदर माँ के पेट के अंदर जो है पूरे इंसान को बनाता है हाथ को भी बनाता है आँख को भी बनाता है नाक को भी बनाता है ज़ुबान को भी बनाता है हाथ को भी बनाता है तमाम चीज़ों को बनाता है आँख के अंदर रोशनी किसने दी एक अल्लाह ने दी जुबान के अंदर मिठास किसने दी एक अल्लाह ने दी अगर ज़ुबान के अंदर हमको टेस्ट बंद हो जाए तो ये ज़ुबान कुछ काम की नहीं अगर हम जुबान अगर बोलने से बंद हो जाए हमारी ज़ुबान अगर बोलना बंद कर दे तो ये ज़ुबान कुछ काम की नहीं लेकिन वही ज़ात जिसने ज़ुबान को बनाया जिसने आंखों के अंदर रोशनी दी जिसने पकड़ने की ताकत दी जिसने पाँव से चलने की ताकत दी कौन है एक अल्लाह की जात है वही अल्लाह क्या है हमें कह रहा है आओ मेरे बंदे तबाह कर लो तुम मुझसे माफ़ी मांग लो मैं अभी भी तुम्हारा अपना बनाने के लिए तैयार हूँ कि आज हम देखते हैं कि हमारा केस फंस जाए और जो है हम कहे को कोई निर्दोष हो हमारा कोई भी परेशानी ना हो हम क्या है हमने गुना भी ना की हो गुना भी ना किया हो फिर भी क्या है हमको अगर जेल में ले जाए अगर जेल से हमें छोड़ भी देते हैं लेकिन फिर भी क्या होता है हम, है। हम कहते भी है कि साहेब मरू नाम नहीं लगता तमें कह के कै मैं तो जो है ना मैं कभी गुना नहीं करो तो भी मरो नाम नहीं लगता लेकिन फिर भी क्या कहता है नहीं जो है हमारी लिस्ट के अंदर लिखा जाएगा कि तुम फुला वक्त फुला वक्त पकड़े गए थे इसलिए तुम्हारा लिस्ट के अंदर नाम लिखा जाएगा तुम फुला केस में पकड़े गए थे चाहे निर्दोष हो लेकिन अल्लाह क्या है इतना करीम है इतना रहीम है अगर तुम गुनाह

के जो है आखिर जो है मौत सब को आनी है अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी कर लो दुनिया के अंदर अल्लाह को अल्लाह की मान कर चलो दुनिया में भी कामयाबी आखिरत में भी कामयाबी और सबसे आसान तरीका ये है हम न टाइम नमाज़ पढ़े इसलिए अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया व आइनी ही नमाज़ मेरी आंखों की ठंडक है फ़जर आसान है रात को जल्दी सो जाए सुबह जल्दी उठ जाए अगर हमको यहाँ से बॉम्बे जाना हो हमको यहाँ से भरूच जाना हो हमको यहाँ से अहमदाबाद जाना हो तो सुबह पाँच बजे हमको जाना है तो हम चार बजे से तैयारी करते हैं तीन बजे से उठ जाते हैं तो हमें इतना भी हमें क्या एहसास नहीं होता कि कल मुझे मरना है मेरे नबी पाक सलीसम के सामने अल्लाह के सामने खड़ा होना है इसलिए मेरे नौजवानों और जो है इन सब मेरे रिश्तेदारी है मुझे किसी से वो नहीं है लेकिन रिश्तेदार को ज़्यादा लगता है क्योंकि खून एक ही होता है आज हमारे नौजवान हमारे रिश्तेदार कहाँ जा रहे आज हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है हम अल्लाह को भूल चुके हैं कितने दिन हो रहे हैं कितना वक्त हो चुका क्या हमारी जिंदगी ऐसे ही गुजरेगी क्या हमें मरना नहीं है दुनिया से हमें जाना नहीं है दुनिया से मुझे भी जाना है जो है आपको भी जाना है एक वक्त सबको दुनिया से जाना है इसलिए दुनिया के अंदर आप देखकर आओ जो कहते थे कि जो है मेरा इतना नाम है ख़बर में इनका नाम भी मिट गया जो कहते थे जो अच्छा अच्छा लिबास पहनते थे और कहते थे कि मेरे पास ये गाड़ी है ये है ये है ख़बर में देखो उनके पास ना गाड़ी है कुछ भी है ना कुछ सब कुछ किसका हो चुका जो, का, जो उसके वारिसों का हो चुका उसके घर वालों का हो चुका इसलिए अल्लाह को राज़ी कर लो अल्लाह को अपना बना लो मौत जो है सब को आनी है जो है हम क्या है कब्रस्तान में जाए और क्या है अपने रिश्तेदारों को पढ़कर बख्शे वो हम उनकी रूह जो खुश होगी और उनकी रूहें क्या है वो क्या है हमें दुआएं देगी लेकिन क्या है हमारे पास पांच मिनट भी टाइम नहीं है हमने कभी सोचा कि मेरे परदादा का इंतकाल हो चुका है मैं कभी इसको पढ़कर कर मेरे बाप का इंतकाल हो चुका है पहले दिन तो हम क्या है हाय वाविला करते हैं लेकिन दूसरे दिन क्या है ख़त्म हो जाता है दूसरे दिन ना बाप कौन है कहाँ से है कहाँ मरा कुछ पता नहीं है उसकी ज़िंदगी कहाँ जाती है कुछ पता नहीं है आखिरकार क्या वजह है इसलिए कि दिल के अंदर दुनिया की मोहब्बत बैठी हुई है दिल के अंदर क्या है अल्लाह तबारक व तआला को क्या है हम भूल बैठे हैं इसलिए मेरा बयान करने का कोई इरादा भी नहीं है मैं तो आपको एक मोटी मोटी बातें बताकर जा रहा हूँ बस पहली बात यह है कि आखिरत को याद रखो कि एक दिन मुझे भी जाना है आपको भी जाना है अगर आपके अंदर ये ताकत है मैं क्या अल्लाह को मैं अपना सारी जवाब दे सकूँगा अगर हम यहाँ पर पुलिस वाला सामने आ जाए हम कोई जुर्म कर ले तो हम उसके सामने जवाब देने के लिए तैयार नहीं होते हम क्या है हम जवाब नहीं दे पाते दे तो अल्लाह तबारक व ताल तो सब का बादशाह है सहनशाहों तो का सहनशाह है हम उसके सामने कैसे जवाब देंगे तो क्या है मौत की तैयारी दूसरे नंबर पर रही है कि क्या है अपनी ज़िंदगी से उम्मीद मत हो क्या है अल्लाह तबारक व ताली सब के अच्छे हालात लाएगा क्या है? इसके लिए सबसे आसान तरीका क्या है हमारे नबी पाक अलैहि वसल्लम को अपना आइडियल बनाए हमारे नबी पाक स अपनों ही, अपना हिरो बनाए और नबी पाक सल्ला वसलम के तरीक़ों में सौ फ़ीसद कामयाबी है और गैरों के तरीक़ों में सौ फ़ीसद नाकामयाबी है इसलिए हमारे नबी पाक सके फॉलोअर्स बनो और क्या है पाँच की नमाज पढ़ो अल्लाह तबारक व मुझे भी अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए तीसरे नंबर पर यह है कि क्या है हमसे जो भी गुना हो चुका है उसकी हम आज माफी मांगेंगे इसलिए क्या है तो, हम लाइट बंद कर लेवे थोड़ी देर और अल्लाह तबारक व का जिक्र करे तो, ताकि हमें मौत की याद आए कब्र की याद आए अल्लाह तबारक व ताला अभी भी हमारा गा 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 भी हमारा जो है अभी भी है क्या है हम सिर्फ़ क्या है अल्लाह तबारक व ताला के हो जाए अल्लाह भी जो है हमारे हो जाएंगे अगर दुनिया के अंदर हमने अल्लाह को राज़ी कर लिया तो अल्लाह क्या है हमसे राज़ी हो जाएगा दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व ताल हमारे काम बनाएगा अपनी गर्दन को चुका ले और जो है अदब से बैठ जाए और मौत को सामने याद करे कि कब्र के अंदर मुझे भी जाना है आज कब्र के आज हम दुनिया के अंदर देखते हैं कि छोटा सा बिच्छू हमें काट जाता है और जो है हम हाय हाय करते हैं और जो है कब्र के अंदर दुनिया के अंदर हमें छोटा सा मच्छर काट जाता है तो हम हाय हाय करते हैं कबर के अंदर बड़े बड़े अजदही होंगे खबर के अंदर जो है हिसाब किताब होगा और दुनिया के अंदर क्या है अल्लाह तबारक वाली तो हमें खुशी इसलिए दे रहे हैं कि मेरा बंदा नाफरमानी करने के बावजूद भी अल्लाह भी क्या है अभी भी हमारा बनाने के लिए तैयार है अल्लाह अभी भी, भी कह रहा है चल चलो कुछ नहीं आज नहीं तो वो कल मेरे पास ज़रूर आएगा लेकिन कल कल करते हुए मौत आ जाएगी तो हम हमारे रब के सामने क्या जवाब देंगे अल्लाह तबारक तआला के सामने हम क्या जवाब देंगे मौत को याद करें और जो है मौत जो है सब को आनी है सबको मरना है दुनिया से मुझे भी जाना है आपको भी जाना है अगर सोचे कि अगर मैं अभी मेरी मौत आ जाए मैं अल्लाह के सामने क्या जवाब दूंगा मेरे पास तो कोई ऐसे अमल भी नहीं है कि मैं उससे अल्लाह को राज़ी कर सकूं क्या है मेरे सारे अमाल क्या है ऐसे है कि अल्लाह को नाराज़ करने वाले हैं अल्लाह को जो है क्या है रुलाने वाले हैं क्या है दुनिया के अंदर हम देखते हैं कोई कोई गुलाम होता है उसका आका होता है उसकी नाफरमानी करता है गुलाम उसकी नाफरमानी करता है आका की सेठ की अब जो है उसकी नाफरमानी करता है तो क्या है? उसको जो है दुकान से निकाल देता है लेकिन एक अल्लाह है वो हमें जो है जब भी हम अल्लाह के दरबार में आते हैं अल्लाह हमें नहीं निकालते हैं इसलिए अपनी मौत को याद करें पाँच मिनट याद करें क्या है पूरा सुबह उठते हैं हाय दुनिया हाय दुनिया मरते हैं रात को सोते हैं फिर भी हाय दुनिया हाय दुनिया हमें थोड़ा से भी वक्त याद नहीं आया कि क्या है कब्र में उनको जाकर पूछ लो जिनको आज़ाब हो रहा है हमारे अंदर ताकत है अगर हमें थोड़ा सा कोई मार दे हमारे अंदर ताकत नहीं होती है बर्दाश्त करने की हमारे अंदर बर्दाश्त करने की ताकत नहीं होती है तो अल्लाह के सामने अल्लाह के सामने क्या है मार खाने की ताकत है अल्लाह तबारक वत जो है क्या है हमें ढील दे रहा है अल्लाह कह रहा है दुनिया की जिंदगी है यहाँ पर तुम मुझे राजी कर लो यहाँ तुम मेरी फरमा बर्दारी करो यहाँ मुझे है यहाँ पर मुझे नाराज करो यहाँ कुछ नहीं है मरने के बाद पता चलेगा कौन कैसा था दुनिया के अंदर तो क्या है कोहे क्या नाफरमान भी होता है दुनिया के अंदर सबसे बड़ा जलील भी वो जो है इज्जत वाला हो जाता है लेकिन कल क़यामत के दिन क्या है अल्लाह तबारक व ताला के सामने तभी पता चलेगा कौन इज्जत वाला है कौन ज़िल्तदार है मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे बदल दे दिल की दुनिया दिल बदल दे मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे बदल दे दिल की दुनिया दिल बदल दे गहगारी में कब तक उम्र काटूं गुनाहगारी में कब तक उम्र काटूं? बदल दे मेरा रास्ता, दिल बदल दे तेरा हो जाओ इतनी आरज़ू है तेरा हो जाओ इतनी आरज़ू है बस इतनी है तमन्ना दिल बदल दे करूँ क़ुरबान अपनी सारी खुशियाँ करूँ क़ुरबान अपनी सारी खुशियाँ तू अपना गम आता कर दिल बदल दे अपनी मौत को याद करे कि अभी जो है मेरा इंतकाल हो चुका है और जो है मुझे अभी जो है कफन में लपटा दिया है और मेरा जनाजा अभी कब्रस्तान में जाएगा अब ये सोचे तब हमें हमारे दिल की आंख खुलेगी तब हमें पता चलेगा हम कहाँ हैं क्या है आप सोचे थोड़ी देर कि क्या है अभी जो है मेरा नाम था मेरा नाम अमर था फिर थोड़े दिन के बाद मरहूम के नाम से पुकारा जाएगा एक वक्त आएगा आपको भी जो है दुनिया के अंदर आपको लोग सहारा देते थे जो है मरने के बाद आपको कोई सहारा नहीं देगा दुनिया के अंदर आपको जो है अपना अपना करते थे दोस्त एक मिनट एक लम्हा भी उससे हम जुदा नहीं होते थे जो है वो भी आपको जो है कबर में छोड़कर चला जाएगा वो भी आपके लिए एक लम्हा आपका इंतज़ार नहीं करेगा ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم يا عليم يا حليم يا كريم يا سميع يا بصير يا من لا شريك له ولا وزير له ويا خالق الشمس والقمر المنير ويا عصمه البائس الخايف المستجير ويا رازق الطفل الصغير ويا جابر العذم الكسير ادعوك دعاء البائس الفقير अल्लाह मसलिलदिना महमद वाल आल सईदना मोहम्मद वबारक वसलीम एल्ला हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए अल्लाह खताओं से दरगुजर फरमा दीजिए अल्लाह दिन के उजालों में रात की अंधेरियों के अंदर अल्लाह हमने आपकी नाफरमानी की है अल्लाह जी माफ़ कर दीजिए कौन सा ऐसा लम्हा है जिसमें आपको राज़ी किया हो कौन सा ऐसी कौन सा ऐसा वक्त है जिसमें आपको राज़ी किया हो अल्लाह जी माफ़ कर दीजिए अल्लाह बड़े खतावार है बड़े कसूरवार है ए अल्लाह ए अल्लाह हम सब को माफ़ कर दीजिए अल्लाह मेरे गुनाहों की वजह से ए अल्लाह इन बस्ती वालों को या अल्लाह अदाब न देना या इस बस्ती वालों से अल्लाह राज़ी हो जाइए अल्लाह हमें माफ़ कर दीजिए अल्लाह माफ़ कर दीजिए अल्लाह बड़े पापी है बड़े मुजरिम है ए अल्लाह या तमाम तो तेरे नेक बंदे है ए अल्लाह तमाम तेरे नेक बंदे है या अपना घर छोड़कर अभी अभी तो अल्लाह तेरे मस्जिद में आए हैं या अल्लाह या अल्लाह अभी उनका वक्त था सोने का उनका वक्त था घर से या अल्लाह बाहर जाने का या अल्लाह या तू देख रहा है अल्लाह जी माफ कर दीजिए अल्लाह जी राजी हो जाइए, या अल्लाह बड़े पापी है बड़े मुजरिम है अल्लाह या या सत्तर, से प्यार वाला है? ला, ला, सत्तर से सुनने वाला है अल्लाह हम सबको अपना बना लीजिए कौन सा ऐसा वक्त है जिसमें आपकी फरमा बर्दारी की हो अल्लाह हर वक्त या आपकी नाफरमानी की है फिर भी अल्लाह तो हम पर नहमत की बारिश बरसाता रहा हमको अपना बनाता रहा ए अल्लाह ए अल्लाह तू सोचता होगा कि मेरे बंदे अभी आ जाएंगे अभी आ जाएंगे फरिश्ते भी तेरे सामने शिकायत करते होंगे के अल्लाह ये तेरे बंदे नाफरमानी करते रहते हैं ए अल्लाह इनको आजाब दे दे अल्लाह लेकिन अल्लाह तो ये कहता है कि नहीं है मेरे बंदे है अभी मेरे सामने माफ़ी मांग लेंगे अभी मेरे पास आएंगे हाय अफसोस अल्लाह हमें एक वक्त भी आपके सामने माफ़ी मांगने की तौफीक नहीं होती है अल्लाह जी माफ़ कर दीजिए अल्लाह बड़े माफ़ कर दीजिए बड़े पापी है बड़े मुजरिम है रात के अंधेरियों के अंदर हमने गुनाह किए अल्लाह में दरवाजा बंद बंद करके गुनाह किए ए अल्लाह की तन्हाइयों के अंदर हम गया अल्लाह अल्लाह हम कोई गलत काम करते हैं हमें कोई देख लेता है अल्लाह हमें से भागते हैं दौड़ते हैं कल कयामत के दिन हम कहाँ भागेंगे के पास जाएंगे अल्लाह तेरे सिवा हमारा कोई सहारा नहीं होगा ए अल्लाह दुनिया के अंदर तो हम कहीं से कहीं अपनी गली निकाल कर चले जाते हैं लेकिन अल्लाह कल क़यामत के दिन तो सामने सब मौजूद होगा सारे नाम हमें माफ कर दीजिए अल्लाह जी हमें रोना नहीं आता अल्लाह रुला दीजिए अल्लाह हमारा दिल सख्त हो चुका है अल्लाह तेरा तुख्त खुद फरमाता है जो गुना करता है उसके सीने पर एक नुकता पड़ जाता है गुना करते 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 की गुजर जाती है उसका जो है दिल जो है सिया हो जाता है उसको पता ही नहीं चलता के जो है मैं गुनाह कर रहा हूँ और मैं जो है नाफरमानी वाली जिंदगी गुजार रहा हूँ ए अल्लाह मुझे माफ कर दीजिए मैं बड़ा पापी हूँ ए अल्लाह बड़ा मुजरिम हूँ मुझसे राजी हो जाइए मुझे माफ कर दीजिए ए अल्लाह मेरे गुनाहों की वजह से ए अल्लाह उम्मत को सजा ना दीजिए दिय। अल्लाह मेरे गुनाहों की वजह से ए अल्लाह उम्मत को सजा ना दीजिए ए अल्लाह ए ए अल्लाह अल्लाह तेरे नेक बंदे सामने मौजूद है अल्लाह सबसे बड़ा गुनहगार मैं सामने मौजूद हूँ अल्लाह जी मुझे माफ कर दीजिए अल्लाह हमेशा मुझे गुनहगार समझ से रहने की तोफीक नसीब फरमा ए अल्लाह 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 दुनिया से हमारे माँ बाप भी जा चुके अल्लाह कोई दुनिया में नहीं है यहाँ ऐसे लोग भी मौजूद हो गए कि दुनिया जिसके माँ बाप दुनिया से जा चुके हो गए अल्लाह उनके माँ बाप की मफ्त फरमा दीजिए कल कहते थे मेरे माँ बाप अम्मी अम्मी अबू लेकिन आज नहीं है आज कब्रस्तान में जा कर सोए हुए अल्लाह जी माफ़ कर दीजिए अल्लाह जी माफ़ कर दीजिए अल्लाह 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 हमें अपना बना लीजिए हमें अपना बना लीजिए हमें अपना बना लीजिए

माफ़ कर दीजिए अल्लाह हम सच्ची पक्की तोबा करते हैं अल्लाह तेरे सामने रोते हैं अल्लाह हमें माफ कर दीजिए अल्लाह अगर तूने माफ नहीं फरमाया तो कहाँ जाएंगे अल्लाह किधर जाएंगे हमारा आपके सिवा कोई नहीं है हमारा आपके सिवा कोई नहीं है अल्लाह दुनिया वालों ने हमें धुतकार दिया है अल्लाह दुनिया वाले भी हमसे नाराज हो चुके हैं हम देखते हैं दुनिया के अंदर अल्लाह हम एक इसके पास एक मरतबा पैसे मांगते हैं, दूसरी मरतबा उसके पास मांगने जाते है तो हमें भगा देता है लेकिन मोहला तेरे पास जितनी मरतबा मांगे लेकिन तो कभी नाराज नहीं होता ए अल्लाह ए अल्लाह हम तेरी ना फरमाने कर चुके हैं अल्लाह बहुत गुनाह कर लिए हैं अल्लाह ए अल्लाह दिल काला हो चुका है दिल सियाह हो चुका है दिल सख्त हो चुका है अल्लाह तेरी मोहब्बत दिल में इसलिए नहीं आती है ए अल्लाह हमारे गुनाह जो है भर चुके हैं अल्लाह तेरे सामने मांगते हैं तेरे सामने अल्लाह मांगते हैं तो हमें अपना बना लीजिए तो हमें अपना बना लीजिए अल्लाह हमारे सारी परेशानियों को दूर फरमा दीजिए ए अल्लाह यहाँ पर ऐसे माँ बाप भी मौजूद होंगे यहाँ पर से बाप भी मौजूद होंगे कि सुबह कमाते होंगे और जो है शाम में उनके पास रोजी रोटी नहीं होगी लेकर हाँ ले आऊंगा जो है बच्चे बाप के पास कुछ नहीं होता है बाप तेरे पास मांगता है तू बाप को जो है हकाल नहीं देता है जो है इसलिए तो अभी मांगने आया तूने मेरी नाफरमानी की है और जो है तू परेशानी में आ चुका इसलिए मेरे पास मांगने आया है ऐसा अल्लाह तो कभी नहीं करता है तू तो जो है हर वक्त अपने बंदों के लिए चाहे गुनेगार हो चाहे फरमा बरदार हो क्या है तू जो बल्कि तू तो जो है गुनेगार बंदों से मोहब्बत करता है हमने देखा है हमारे घर के अंदर चार बेटे होते हैं किसी माँ के चार बेटे होते हैं तो एक बच्चा ना फरमान होता है माँ बाप की तवज्जो उस पर ज्यादा होती है माँ बाप उसको ज्यादा ध्यान देते हैं चलो ये तो मेरा बच्चा है तो मुरा मुन्ना है इसने तो गुनाह कर जो है मेरी ना फरमा नहीं करता है कुछ नहीं वकल सुधर जाएगा लेकिन मौला हम भी तेरे गुनहकार बंदे हैं अल्लाह हम सोचते हैं कि हम सुबह जो है आपको जो है राजी करें शाम में हमसे गुनाह हो जाते हैं अल्लाह जी माफ़ कर दीजिए अल्लाह बड़े कमजोर तेरे बन्दे है हमें अपना बना लीजिए हमें अपना बना लीजिए अल्लाह हम मौत को भूल चुके आखिरत को भूल चुके तेरे सामने अल्लाह तेरे सामने खड़े होने को भूल चुके हैं अल्लाह जी हम सबको माफ फरमा दीजिए अल्लाह हम सबको माफ फरमा दीजिए अल्लाह हम सबको अपना बना लीजिए हम सबको अल्लाह या अल्लाह या तेरा पक्का दोस्त बना लीजिए या अल्लाह हम दुनिया में देखते हैं, अल्लाह तेरे है तेरे दोस्त जो है एक एक आपस में एक दोस्त होता है दूसरा दोस्त होता है वो क्या है उसको खुश करने के लिए जो न जाने कहाँ कहाँ ले जाता है लेकिन मौला अल्लाह दुनिया के अंदर अपनी दोस्ती दोस्तों से निभाते हैं लेकिन मौला अल्लाह लधिन आमनू अल्लाह जो ईमान वालों का दोस्त है अल्लाह खुद फरमाते हैं लेकिन अल्लाह हम तुझसे दोस्ती को तोड़ चुके हैं अल्लाह हम तुझसे दोस्ती करना चाहते हैं तो हमारा दोस्त बन जाइए अल्लाह अल्लाह हमें पाँच टाइम नमाज़ पढ़ने की तोफ़ी नसीब फ़रमा अल्लाह हमें नमाज नमाज जैसी दौलत हमें अता फरमा अल्लाह नमाज का खुशू अता फ़रमा ए अल्लाह उम्म मुस्लिम के गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए अल्लाह उम्मत मुस्लिम से राज़ी हो जाइए हम सब को अपना बना लीजिए ए या अल्लाह या जो बीमार है उनको शिफा अता फ़रमा अल्लाह जिसकी रोजी या अल्लाह तंग हो चुकी है उनके लिए कुशादा रोजी का इंतजाम फरमा दीजिए ए अल्लाह जो जिस मुसीबत में गिरफ्तार है उनको से नजात अता फ़रमा अल्लाह आपसे एक आजीजाना एक रिक्वेस्ट है ए अल्लाह आई मिस यू अल्लाह आई लव यू अल्लाह अल्लाह नाम हमने आप किस किस को हमने आई लव यू कह दिया है किस किस को हमने यह अल्लाह बना लिया है अल्लाह तुझे अपना दोस्त बनाना चाहते हैं हम तुझसे प्यार करते हैं अल्लाह तुम हमारा बन जाइए अल्लाह तुम हमारा बन जाइए एल्लाह अल्लाह अल्लाह तो खुद कहता है अगर तुम गुनाह करके आओगे तो मेरे दरबार में वेलकम पाओगे मेरे दरबार में तुझे जो है अहलन व सहलन पाओगे तो मेरे दरबार में क्या है हमेशा खुशी वाला माहौल पाओगे और जो है तुम राज़ी होकर जाओगे अल्लाह हमें भी अपना बना दीजिए हम सब तेरे फकीर बंदे हैं हम तेरे सामने हाथ उठाए हुए हैं हम देखते हैं कि हमारे यहाँ कोई फकीर आता है वो खाली हाथ नहीं जाता है हम भी तेरे दरबार के फकीर है हमें भी खाली हाथ जो है हम जो है खाली हाथ हमें न लौटा या अल्लाह अल्लाह हमें मौत को याद करने वाला बना दीजिए अल्लाह जो भी अल्लाह मुझसे कमी को ताइजा हो गई है मुझे माफ़ फरमा दीजिए या अल्लाह हम सब को जो है तेरा हकीकी बंदा बना लीजिए तो हम सब से राजी हो जाइए या अल्लाह जो भी मांगा वो भी अता फरमा या अल्लाह इस बस्ती के अंदर चैन सुकून अता फ़रमा अमन अमान की फ़िज़ाएँ कायम कर दीजिए अल्लाह यहाँ पर आपस रहने वाले के अंदर मोहब्बत अता फ़रमा अल्लाह हमारे रिश्तेदारों के अंदर मोहब्बत अदा फ़रमा अल्लाह हमारे दोस्तों के अंदर मोहब्बत नसीब फरमा या अल्लाह हमारे माँ बाप के करने वाला बना दीजिए अल्लाह हमारे जिससे भी हमसे झगड़ा कर चुके हैं अल्लाह हम सुलह करना चाहते हैं अल्लाह हमें सुलह करा दीजिए अल्लाह आसानी वाला मामला फरमा दीजिए अल्लाह जो मांगा वो भी अताफ़र फरमा मांगने से रह गया वो भी अताफ़रमा या रबी सल वसलम दाईमन अबद न आल हबीबी का खैर खल सुबह रबी का रब्ज़त अम्मा सिफून वसलामरसिन